लग गया है तिरंगा। ऐसे ही पूरे देश में 25 करोड़ घर के ऊपर एक ही साथ 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराएगा। आजादी के अमृत महोत्सव निमित्त हर घर तिरंगा लहराने की जो पहल है वो आज से ही शुरू हो गई है। इतना मस्त लग रहा है, हर घर के ऊपर घर की शान बढ़ गई है इस तिरंगे की वजह से। तो दोस्तों, तिरंगा लगाने का कुछ रूल्स है वो आपको शैलेश भाई बताएंगे, तो सुनते हैं शैलेश भाई से। पहला नियम तो वो है कि ध्वज एकदम सीधा लगा होना चाहिए और सबसे घर के सबसे ऊपर के हिस्से के ऊपर लगाना चाहिए, और एक और उसके ऊपर कोई भी ध्वज नहीं होना चाहिए, उसके बराबर भी नहीं होना चाहिए। वो अपना तिरंगा है वो सर्वोच्च होना चाहिए, वो पहला नियम है। पहले नियम ऐसा था कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त पहले ध्वज लहराना होता था, और अब केंद्र सरकार ने नियम बदल दिए और आप 24 hours तक 24 घंटे तक तिरंगा अपना लहरा सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने अभी ये मुहिम चालू की है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक की, कि हर घर तिरंगा, उसके तहत थोड़े नियम को हलवे कर दिए। उसकी वजह से सब हर घर तिरंगा को बढ़ावा मिले, इसलिए नियम हलवे कर दिए केंद्र सरकार ने। और एक नियम वो भी था कि ध्वज आपका ध्वज तिरंगा है वो ऊन से बना हुआ होना चाहिए और खादी का होना चाहिए, और अब केंद्र सरकार ने ये नियम में बदलाव किए, उसने अभी मशीन से बना हुआ भी चलेगा और कापड़ में सिल्क और पॉलिस्टर भी यूज़ किया जा सकता है, उसमें बदलाव कर दिए है। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का ये मुहिम है वो बहुत ही बढ़िया मुहिम है, और ये देश में 25 करोड़ घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा उसका नज़ारा बहुत ही बढ़िया होगा। तो आज 13 अगस्त है, इसलिए जो जो ने लोगों ने आप घर के ऊपर तिरंगा नहीं लहराया वो आज लहरा दीजिए, आपकी घर की शोभा बढ़ा दीजिए तिरंगा लगाने के साथ। तो दोस्तों, फाइनली हमारा तिरंगा यहाँ पर लग गया है, अब हम लोग जा रहे हैं घर से काम पर। देखो कितना मस्त लग रहा है ये तिरंगा। तो चले दोस्तों, चलते घर की छत से नीचे चलते हैं। तो दोस्तों देखो, फाइनली हमने हमारे घर के ऊपर तिरंगा लहरा दिया है, कितना मस्त लग रहा है, और हमारे घर की शोभा भी बढ़ गई है इस तिरंगा की वजह से, घर की शान भी बढ़ गई है। देखो तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। अगर आपने अपने घर के ऊपर ध्वज नहीं लगाया तो जल्दी से जाके लगा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।